नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो है हमारी कोर्स कोड 2007 उसके लैब 6 के बारे में चर्चा करेंगे। लैब 6 जो है वो एचटीएमएल टैग्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एचटीएमएल होता क्या है और किस पर्पस के लिए हम यूज में लेते हैं एचटीएमएल को, और उसके बाद में डिटेल में हम देखेंगे कि एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं और एचटीएमएल टैग्स का उपयोग कहाँ और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस सेशन में, इस लैब में हम एक एचटीएमएल का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर एचटीएमएल के लिए कौन कौन सी टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम प्रयोग में ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर एचटीएमएल वेब पेज जो है वो कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे, और अंत में हम एचटीएमएल की प्रैक्टिस करेंगे। तो एचटीएमएल जो है वो है क्या बेसिकली? एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट का मतलब है एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें कोई लिंक हो। कई बार आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है और उस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा कुछ पेज ओपन होता है, जैसे कि क्लिक हियर। कई बार आप देखते हैं इसे ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, टू ओपन दिस क्लिक हियर। सो क्लिक हियर जो टेक्स्ट लिखा रहता है उस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दूसरी कोई पेज जो है वो खुल जाता है। तो क्लिक हियर जो टेक्स्ट है वो क्या है, क्या कहलाएगा? हाइपर टेक्स्ट। तो ऐसा टेक्स्ट जो कि अपने आप में किसी दूसरे लिंक को समाहित किए हुए है, उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, मार्कअप यानी कि मार्किंग करने वाला, ठीक, अलग अलग मार्किंग के हिसाब से जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं जिनमें हाइपर लिंक, उसे हाइपर लिंक भी कहते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट होता है, उस लैंग्वेज को जो है हम एचटीएमएल लैंग्वेज कहते हैं। तो एचटीएमएल जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस क्रिएट करने हैं अगर अपने को तो एचटीएमएल लैंग्वेज का हम प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, एचटीएमएल जो है उससे नॉर्मली जो आपके पेजेस बनते हैं वो स्टैटिक पेजेस बनते हैं। टेक्स्ट के लिए आप काम में लेते हैं एचटीएमएल को। एचटीएमएल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज का मतलब है कि किस तरीके का आपका वेब पेज दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML consists of a series of elements. Elements का मतलब होता है कि एक वेब पेज में कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स से बनकर एक वेब पेज बनता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या मतलब है एलिमेंट्स का और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये हम डिटेल में जब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। HTML elements tell the browser How to display the content? HTML element जो होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं। ब्राउजर क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है, किसी वेबसाइट को देखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउजर। जैसे कि आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये जो है ये ओपेरा हो गया, ये सब आपकी क्या है, ब्राउजर्स है। तो इन ब्राउजर्स का हम प्रयोग कब लेते हैं, जब हमें किसी वेबसाइट के वेब पेजेस को देखना होता है। ठीक है, HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. तो HTML elements जो हैं वो कंटेंट्स को लेबल करते हैं। देखिए इसका एक हम छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। ये एक इसका उदाहरण है कि HTML डॉक्यूमेंट किस तरीके का दिखता है आपका। सबसे पहले आपको हमेशा ये वाली लाइन लिखी हुई मिलेगी, लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और फिर डॉक टाइप
डॉक टाइप किस तरीके का है, एचटीएमएल, तो इसलिए यहाँ पर एचटीएमएल लिखा है। ये आपका हमेशा जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके एचटीएमएल पेज की हमेशा यही रहती है। फिर आप लिखोगे एचटीएमएल टैग। अब टैग एक्चुअल टैग यहाँ से शुरू होगी, तो जो किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का पहला टैग होता है वो पहला टैग क्या कहलाता है, एचटीएमएल, ठीक है। फिर जो दूसरा टैग होता है वो होता है हेड। हेड जो है वो आपका दूसरा टैग होता है। हेड के अंदर आप लिखते हैं टाइटल और फिर पेज का टाइटल। टाइटल क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे कि इसका टाइटल का मतलब क्या है और हम यहाँ पर क्या लिखें बेसिकली, ठीक है। तो पेज का टाइटल जो है वो टाइटल टैग के अंदर आएगा। टाइटल, अब देखिए ये यहाँ पर एक नोट करने वाली बात होती है, जो टैग यहाँ ओपन हो रही है, जो टैग ये टाइटल, देखिए ये ओपनिंग टैग है, अगर दोनों तरफ ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है तो इस टैग को हम कहते हैं ओपनिंग टैग। और ये जो टैग है ये लेस देन, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश अगर ये लगा है सिंबल, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। इस टैग को हम कहेंगे क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ओपनिंग टैग होता है वो इस तरीके के दो ब्रैकेट्स में बंद होता है, और जो आपका क्लोजिंग टैग होता है वो फॉरवर्ड साइन यहाँ पर लगाते हैं, तो ये हो गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। जो टैग ओपन हो रही है उसको क्लोज भी करना आवश्यक है, ये बात आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने HTML ओपन टैग लिखा, हेड ओपन टैग लिखा, टाइटल ओपन टैग लिखा, फिर यहाँ जिस ऑर्डर में आपकी ये टैग्स पहले लिखी गई हैं उसी ओपन करी गई हैं उसी ऑर्डर में ये क्लोज होंगी। तो जो सबसे अंदर टैग है वो सबसे पहले आपकी बंद होगी, क्लोज होगी, उसके बाद जो टैग आई थी ओपन वो उसके बाद, यहाँ पर देखिए हेड टैग जो है वो टाइटल के ऊपर आए, तो टाइटल यहाँ बंद हो गया, तो टाइटल के बाद हेड यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। अभी आपका हेड जो है वो क्लोज हो गया, एचटीएमएल अभी भी आपका ओपन है। फिर इस एचटीएमएल जो भी आपकी जितनी भी टैग्स आएंगी वो सब किस में आएंगी, एचटीएमएल टैग में, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। एचटीएमएल टैग जो है उसके अंदर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये क्या है, ये टैग्स है, एचटीएमएल टैग हो गया, हेड एक टैग हो गया, टाइटल एक टैग हो गया, फिर हेड बंद हो गया, फिर यहाँ से आपका बॉडी शुरू हुआ। तो बॉडी का मतलब हो गया कि एक्चुअल जो कंटेंट आपको दिखेगा आपके वेब पेज पे, ये जो आपका हेड के अंदर जो लिखा है वो आपका डिस्प्ले नहीं होता है वेब पेज में। वेब पेज में डिस्प्ले क्या होगा, जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, जो कंटेंट आपका बॉडी के अंदर है वो कंटेंट आपका डिस्प्ले होता है एचटीएमएल पेज में, ठीक है। तो H1 का मतलब हो गया हेडिंग वन, यानी ये H1 क्या है, ये एक टैग है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H1 से लेकर H6 तक ये 6 टैग होती हैं, और ये 6 टैग जो हैं वो किस पर्पस के लिए होती हैं, ये 6 टैग आपकी बेसिकली हेडिंग के लिए होती है। जैसे हम हेडिंग लिखते हैं, एक बड़ी हेडिंग लिखी, फिर उसके अंदर सब हेडिंग, उससे छोटी, फिर उस सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, उससे छोटी, तो इस तरीके से अगर हमें हेडिंग लिखनी होती है किसी पैराग्राफ की, तो हम इन H1 से लेकर H6 टैग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। फिर P जो है, P होता है पैराग्राफ के लिए, P जो टैग है वो टैग होता है आपका पैराग्राफ के लिए। तो देखिए यहाँ H1 ओपन हुआ और ये H1 यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये हेडिंग यहाँ तक ही रही, फिर पैराग्राफ शुरू हो गया, पैराग्राफ यहाँ ओपन हुआ और पैराग्राफ को हमने यहाँ पर इस टैग को बंद कर दिया। पैराग्राफ के अंदर हमने जो भी अपना पैराग्राफ का कंटेंट है वो लिख दिया, ठीक है। फिर हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और यहाँ पर ये आपका HTML टैग जो है वो क्लोज हो गया, यानी HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये है आपका HTML का एक एग्जांपल। इस तरीके से आप जो है एक HTML के पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और, जैसे हमने अभी देखा कि डॉक टाइप HTML, ये डिक्लेरेशन होती है जो कि डॉक्यूमेंट, एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है ये डिफाइन करता है। फिर HTML टैग जो है वो रूट एलिमेंट
होता है किसी भी एचटीएमएल पेज के लिए, रूट का मतलब होता है सबसे पहला, रूट का मतलब है सबसे पहला, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। रूट का मतलब होता है सबसे पहला या सबसे बाहरी, फिर सब एलिमेंट्स बाकी के जो बचे हुए हैं वो इस रूट के अंदर लिखे जाएंगे। हेड जो है, एलिमेंट कंटेंस मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल पेज। हेड जो है वो आपका मेटा इंफॉर्मेशन जो है एक एचटीएमएल की, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। अच्छा, मेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है? मेटा इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम एचटीएमएल पेज की बात कर रहे हैं तो एचटीएमएल पेज से संबंधित जो आपकी जानकारी है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है। अब एचटीएमएल पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन क्या होंगी? जैसे कि एचटीएमएल पेज का टाइटल हो गया, ठीक है। एचटीएमएल पेज का जो टाइटल है वो हेड के अंदर आता है, ये जो है वो हेड के अंदर आता है। तो पेज का, पेज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, पेज एचटीएमएल पेज की खुद की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फिर टाइटल, अब टाइटल किसका होगा? वेब पेज का ही होगा ना, तो ये वेब पेज की प्रॉपर्टी हो गई टाइटल। इसलिए ये टाइटल किसके अंदर लिखा जाएगा? हेड के अंदर। देखिए यहाँ पर हमने हेड के अंदर जो है, हेड यहाँ ओपन किया और हेड ओपन करके फिर ये टाइटल इसके अंदर लिख दिया। तो हेड ओपन और क्लोज कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। तो टाइटल जो है वो हेड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टाइटल होता क्या है, कैसे पता चलेगा? देखिए जो आपका ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर में ऐसे जो आप वेबसाइट ओपन करते हैं उससे संबंधित जो चीज यहाँ दिखती है आपको, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस पेज का टाइटल है, ये जो है वो इस पेज का टाइटल है, ठीक है। बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एटसेट्रा। तो जो भी आपको वेब पेज पे दिखता है, जो भी आपको एक वेब पेज के अंदर जो भी कंटेंट दिखता है वो सब किस में आएगा? बॉडी में। H1 defines a large heading, यानी कि H1 हमने अभी बात करी, एक सबसे बड़ी कौन सी होती है हेडिंग में? H1 सबसे बड़ी H1 होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है? H6। तो ये H1 से लेकर H6 तक टोटल 6 हेडिंग टैग एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप यूज में ले सकते हो। P जो है वो टैग एक पैराग्राफ को डिफाइन करता है। तो ये एक हमने अभी छोटा सा उदाहरण देखा कि किस तरीके से जो है एक छोटा सा HTML वेब पेज हम बना सकते हैं, और इन ये एसेंशियल हैं। एसेंशियल का मतलब ये आवश्यक हैं। ये जो टैग हमने अभी देखी है, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये आपकी एसेंशियल यानी आवश्यक टैग्स हैं। इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक आपकी टैग्स हैं जो कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं यूज में लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं HTML एलिमेंट की। HTML एलिमेंट क्या होता है? तो HTML एलिमेंट जो है वो इज डिफाइंड बाय ए स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो ये कंप्लीट, देखिए यहां से लेकर एक टैग स्टार्ट होता है वहां से लेकर, और वो टैग जब एंड हो रहा है वहां तक, इस पूरे कंटेंट, इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं? HTML एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि ये यहां पर इसकी बात करें तो H1 ये ओपनिंग टैग से लेकर इसकी क्लोजिंग टैग तक ये क्या कहलाता है? एक एलिमेंट। यहां पर ये P की ओपनिंग टैग से लेकर P की क्लोजिंग टैग तक ये क्या कहलाएगा? एक HTML एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट के तीन भाग होते हैं, स्टार्ट टैग, एंड टैग और एलिमेंट का कंटेंट। तो स्टार्ट टैग अगर अपन H1 वाले की बात करें तो इसमें स्टार्ट टैग कौन सी है? H1। स्टार्ट टैग कौन सी है? H1। तो ये हो गया अपना स्टार्ट टैग। फिर इसका एलिमेंट का कंटेंट क्या है? जो स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच का जो कंटेंट है, जो बीच का जो कंटेंट है उसको हम कहते हैं एलिमेंट का कंटेंट। तो H1 और H क्लोजिंग के बीच में माई फर्स्ट हेडिंग,
ये आपका क्या है एलिमेंट का कंटेंट हो गया, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग या एंड टैग हो गया। इसी तरीके से अगर पी की बात करें, पी जो टैग है यहाँ पर, इस पी टैग में ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये माय फर्स्ट पैराग्राफ आपका इसमें एलिमेंट कंटेंट हो गया, और जो ये पी जो है ये आपका एंड टैग हो गया, ठीक है। फिर स्टार टैग, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बी आर टैग ब्रेक, बी आर का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक यानी ब्रेक द लाइन, ठीक है। बी आर हम यूज में कब लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, ये बहुत बार आप यूज में लोगे और बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज में लोगे। तो बी आर टैग जो है, बी आर टैग किसके काम में आता है, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए। मान लिया हम यहाँ कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, लिखते लिखते फिर हमें इस वर्ड के बाद में न्यू लाइन में ये आगे का कंटेंट लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कौन सी टैग यूज करेंगे इस लाइन को आगे वाली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए, तोड़ने के लिए, बी आर टैग। और बी आर टैग जो है वो केवल उसका स्टार्टिंग टैग होता है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं इसके, ना तो इसमें कोई एलिमेंट कंटेंट होगा और ना ही कोई एंड टैग होगा, केवल और केवल स्टार्टिंग टैग होता है ये, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ओके। तो HTML एलिमेंट्स हैव, सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक BR एलिमेंट, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनमें कोई भी एलिमेंट कंटेंट नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है, एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वैसे तो हम हमारी पिछली लैब में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर, द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर, जैसे कि क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। तो HTML डॉक्यूमेंट जो है उनको रीड करना और उनको डिस्प्ले करना, ये काम होता है किसका, वेब ब्राउजर का। तो वेब ब्राउजर का काम बेसिकली क्या है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को रीड करके डिस्प्ले करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई माइक्रो वर्ड का क्या काम है, माइक्रो जो वर्ड होता है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका क्या काम है, तो उसका काम क्या है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके या नया वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके और उसमें राइट करना और उसको एडिट करना। तो उसी तरीके से HTML जो आपका ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स हैं उनका क्या काम है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स का काम है HTML डॉक्यूमेंट को रीड करके उन्हें डिस्प्ले करना, ठीक है। ए ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ब्राउजर जो है वो HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता है। अब देखिए यहाँ हमने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था, तो इस एग्जाम्पल में जो हमें दिखेगा वो इस तरीके की ये टैग्स नहीं दिखेंगी, HTML, हेड, टाइटल, ये सब नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखेगा, हमें माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये दिखेगा। कैसे, देखिए ये जो है ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी अभी आपको दिखाया, जो हमने एग्जाम्पल छोटा सा HTML का एग्जाम्पल देखा था उसमें यही एग्जाम्पल है वो, ठीक है। उसमें H1 हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, माई फर्स्ट हेडिंग, और पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था, माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो HTML के बॉडी पार्ट में जो हमने देखा, इस एग्जाम्पल के जो आपका बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट में क्या है, यहाँ देखिए बॉडी पार्ट में आपका क्या कंटेंट है, हेडिंग में लिखा हुआ माई फर्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ में लिखा हुआ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। यही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, माई फर्स्ट हेडिंग और उसके बाद में माई फर्स्ट पैराग्राफ,
ठीक है। हाँ एक चीज नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो टाइटल है, ये टाइटल आपका क्या दिखा रहा है यहाँ, index.stm। index.stm का मतलब क्या है, ये जो फाइल है, अगर इस फाइल में, अगर इस जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके कोड में टाइटल में अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो, ध्यान रखिए टाइटल में अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो, तो बाय डिफॉल्ट जो इस फाइल का नाम है, जो इस फाइल का नाम है index.stm, वो उसके टाइटल में डिस्प्ले होता है, वो उसके टाइटल में डिस्प्ले होता है। अच्छा एक बहुत ही जरूरी बात, जो भी HTML का आपका डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, उसको जो सेव करेंगे वो सेव किस नाम से होगा, उसका एक्सटेंशन किस नाम से होगा, .htm, .htm या HTML, HTML या HTML, दोनों नाम आप यूज में ले सकते हो, HTM या HTML, HTM या HTML, ठीक है। ये आपका किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, सॉरी वेब डॉक्यूमेंट का, HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। इस नाम से आपको, इस नाम के एक्सटेंशन से आपको फाइल को सेव करना। तो यहाँ की ये जो फाइल थी, इस फाइल का नाम क्या था, index.stm, index.stm, ठीक है। अब इसमें चूंकि टाइटल डिफाइंड नहीं है, टाइटल में हमने कुछ भी नहीं लिखा, टाइटल टैग में, टाइटल टैग कहाँ थी, ये देखिए इस एग्जांपल में हेड के अंदर जो टाइटल था, इस टाइटल में यहाँ पर लिखा हुआ पेज टाइटल। तो अगर इस उदाहरण को हम एग्जीक्यूट करते, HTML को एग्जीक्यूट करते इस उदाहरण को, तो हमें क्या दिखता, तो हमें दिखता देखिए, तो हमें यहाँ पर माई टाइटल दिखता, यहाँ पर index.stm की जगह क्या दिखता, जो हमने यहाँ पर टाइटल में लिखा है पेज टाइटल। क्लियर है इतना? तो हाँ दो चीजें हमने ध्यान रखने वाली बातें बताई, एक तो आपका टाइटल के अंदर जो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उस फाइल का नाम यहाँ टाइटल में डिस्प्ले होगा, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम वेब पेज लिख रहे हैं उस वेब पेज फाइल को हम सेव किस नाम से करेंगे, .htm या .html, ठीक है। HTML पेज की अगर स्ट्रक्चर देखें, HTML पेज का स्ट्रक्चर जो है अगर वो देखें, तो कुछ इस तरीके का आपका HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। HTML सबसे बाहर रहेगा, HTML, फिर उसके HTML के अंदर हेड लिखेंगे, हेड के अंदर आपका मेटा डेटा आता है, जैसे कि टाइटल हो गया, और उसके नीचे बॉडी पार्ट आता है, बॉडी पार्ट में वो सब कंटेंट आएगा जो कि आपको किसी HTML किसी वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना है, किसी वेब पेज पे अगर आपको डिस्प्ले जो जो करना है वो उस बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो डिस्प्ले जो होगा किसी भी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का कंटेंट, वो आपको सारा का सारा बॉडी पार्ट के अंदर लिखना है। तो ये हमारा आज एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया HTML के बारे में। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि HTML क्या है और किस पर्पस के लिए हम काम में लेते हैं। जैसे सी प्रोग्राम आप बनाते हो, तो HTML का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी वेबसाइट के वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए आप HTML का प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का जो सेशन है, आगे का जो कंटेंट है, वो हम अपने अगले सेशन में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।